जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हो वीडियो का, भाई बात करूंगा पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। और भाई आपको तो पता ही है कि पैन कार्ड अगर आप मार्केट में बनवाने जाते हो तो 150 से 250 रुपये तक खर्चा लेते हैं दुकानदार इस चीज़ को बनाने का। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फ्री में पैन कार्ड बना सकते हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, सिर्फ 2 मिनट में आपका पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगा। करना क्या है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आपने जो काम करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप एक वेबसाइट टाइप करेंगे, incometaxindiafilling.gov.in, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहां पर लेफ्ट साइड में काफी सारे लिंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, आप एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा, अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, गेट न्यू पैन। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा टाइप करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आप कंफर्म करेंगे कि आपने पहले कभी पैन कार्ड नहीं बनवाया है, साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, और आपके आधार कार्ड पर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, और साथ ही आप माइनर नहीं है। ये चीजें आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ टिक करेंगे। इसके बाद आप जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, आप वो ओटीपी यहाँ डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके आधार कार्ड को वैलिडेट किया जाएगा। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ आधार कार्ड से ले ली जाएगी। अब आपको यहाँ 3 चीजें कंफर्म करनी है, पहली कि आपने कभी पहले पैन कार्ड नहीं बनवाया है, और दूसरी कि अगर आपके पास पहले से बना हुआ कोई पैन कार्ड पकड़ा गया तो सेक्शन 272B के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, और थर्ड कि आप यहां इनकम टैक्स रूल 1962 के अंडर आधार कार्ड के बेस पर पैन कार्ड बनाने की परमिशन दे रहे हैं। आप यहां आई एक्सेप्ट दैट पर टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड की रिक्वेस्ट को ले लिया गया है, साथ ही यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया गया है। इसके बाद अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए कि बना है या नहीं बना है और डाउनलोड करने के लिए आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, इंस्टेंट पैन थ्रो आधार पर क्लिक करेंगे, और जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है, और इसके बाद सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहां डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहां पर देखिए लिखा हुआ आ गया है पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल। इसमें 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा है, अभी जस्ट मैंने आपके सामने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और अभी यहां पर स्टेटस चेक करने के लिए जैसे ही हमने आधार कार्ड नंबर डालकर लॉग इन किया तो यहां पर पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। जस्ट डाउनलोड पैन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही इसका पासवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1996 तो पासवर्ड होगा 01111996। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। इस पैन कार्ड को प्रिंट करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस पर आपको सिग्नेचर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूआर कोड दिया गया है जो इसको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस क्यूआर कोड को जब स्कैन किया जाएगा तो यही सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी जिससे ये पैन कार्ड वेरीफाई। वीडियो में पूरा सब कुछ मैंने आपको बताया, कैसे आप पैन कार्ड फ्री में बना सकते हो 2 मिनट में, आप कैसे अपनी ईमेल आईडी में मंगा सकते हो पैन कार्ड को। और भाई अगर इस वीडियो को देख के आपके सीधे सीधे 250 रुपये बचेंगे एक पैन कार्ड बनाने के, जो आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हो, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ एट होम।